गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भारतीय प्राचीन इतिहास का भाग दो, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को आज हम डिस्कस करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। आर्य प्राचीन भारतीय यूनान एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋषभाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ या अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, इसका आंसर है डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आंसर है बी। भारतीय साहित्य में चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्वेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। त्रिनाम किसका है? आंसर है ए, तीन वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेदत्री या त्रि कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ईश्वर महिमा, ऋग्वेद, बलिदान। आइए इसका आंसर देखें। इसका आंसर है ए, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। जैसे कि आपको बताया कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति तथा यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 तथा 10552 ऋचाएं एवं मंत्र का उल्लेख है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय के रूप में संगीतमय स्रोत हैं जिनको उत्गाता पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संदर्भ में साक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अगला क्वेश्चन जो है, किस वेद में चार वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा है सामवेद। तो इसका आंसर है सी, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं इसमें बताया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सही उत्तर सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका आंसर है सी, ऋग्वेद में ऐत्रेय, सामवेद में पंचवीस, अथर्ववेद में गोपद, यजुर्वेद में सतपद। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोपद ब्राह्मण संबंधित है। जो गोपद ब्राह्मण संबंधित है वो किससे संबंधित है दोस्तों? यह है अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो समर्पित है नौवां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इनके नौवे मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता तथा नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोम और इस पे नामकृत देवता को। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है उनका पता चलता है कौन से वेद से? चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुल्क यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये आज तक आगामी जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई के लिए लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, कंपिल्लय आदि स्थानों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंगी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनमें यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर आधारित? तो इसका आंसर है डी, दर्शन पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या डी, राज्य? तो इसका आंसर है डी, बी, दर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस में मिलती है? ऋग्वेद में, परिवर्तित संहिताएं में, ब्राह्मण में, उपनिषद में? तो इसका आंसर है उपनिषद में। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद से पहली बार आया है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखनीय है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को आदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के? काशी के, बी केकय के, सी पांचाल के, डी विदेह के? तो इसका आंसर है बी, केकय के। उपनिषदों में वर्णित राजाओं ने विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाण हर्जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा आजाद शत्रु प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी नदी है? सिंधु है, सुतुद्री है? इसका आंसर है ए, सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका आंसर है चेनाब। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा और क्रूमू।
अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? वो होता है अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है बी। इसमें देखिए कुंभा काबुल, परुषणी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्रिया, सतुद्री, सतलज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ये प्रचलित हुई थी ए और सी में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अगला क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करता है। दूसरा पॉइंट है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों को, क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसमें आंसर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? तो इसका ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? किसे माना जाता है? बृहस्पति को। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? किसने की थी? ए लोपामुद्रा ने। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा पाला, घोसा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निस्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, किस अर्थ में हुआ है? सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निस्क। निस्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निस्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वेद काल में जो निस्क था वो किस अंग का आभूषण था? वो था गले का। ऋग्वेद काल में निस्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, साथ ही निस्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निसाका जाने जाते थे किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए। बौद्ध जातक में तीन प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में है निसाका या निस्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निसाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है, बोकज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख होता है। एशिया माइनर स्थित बोकज कोई के 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के उल्लेख ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा देता है? सी बोगज कोई। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है बोगस कोई से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया? किसने बताया आर्यों के आदि देश के बारे में? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? वह है
नीचे देखेंगे, पुरुष में एक प्रमुख यज्ञ है। इस यह शुल्क यजुर्वेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उनमें पुरुष में यज्ञ की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव ने से संबंधित ऋषि से कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने वर्णित विदेध माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? इसका आंसर है सी, कुरु और पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस प्रमुख नगर बने हुए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धुर थे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कहाँ? हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद। तो ये हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था तो वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो वो करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों के वैदिक देवता देवियों की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि था कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो लड़ा गया परुष्णी नदी के तट पर। 10 राजा युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी जिसे अब रावी के नाम से जाना जाता है के तट पर लड़ा गया जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो लड़ा गया परुष्णी नदी के किनारे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा देवित्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया? निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा देवित्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया? तो वो किया गया सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा देवित्मा नदीत्मा कहा गया है अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। जो पंचजन से संबंधित नहीं है उसका नाम है डी कीवर कीकट। ऋग्वेद आर्यों में पंचजनों में यदु द्रुहद पुरु अनु त्रुवर्षु आदि थे। विकट इससे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों की आजीविका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द की कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है। यव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जौ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।